हेलो एवरीवन, ईडू फॉर ई में आप सभी का स्वागत है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आगे चल करके मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हमारा जो नंबर है, ऑफिशियल नंबर है 9147786396। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें और हम कोशिश करेंगे अच्छे स्टूडेंट्स का, जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेंस और एडवांस के लिए प्रिपरेशन चाहते हैं, उन लोगों का एक ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप लोग अपना क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। और काफ़ी ध्यान रहेगा मेरा भी उस ओर, अगर किसी टाइप का डाउट रहा, प्रॉब्लम रहा, तो हम उस ग्रुप में इन्वॉल्व होकर के उसे सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है ये लिख करके कि हम मेंस और एडवांस के लिए आगे प्रिपरेशन चाहते हैं। हम लोगों को समझना है रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल। अगर दो तीन रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रहा तो वहाँ पर हम लोग करंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, और पैरेलल में लगा रहा तब कैसे निकालेंगे। तो देखो, अगर मान लो रेजिस्टेंस कुछ इस टाइप से लगा हुआ है तो ये हो गया आर वन, ये हो गया आर टू, ये हो गया आर थ्री, और इसको हम लोग जोड़ दिए एक बैटरी से, तो ये हमारा सीरीज कम्बिनेशन कहलाता है। इसमें हम लोग को बस ध्यान यही रखना है कि अगर सीरीज में लगा हुआ है कोई भी रेजिस्टेंस तो करंट जो होगा सब में इक्वल फ्लो करेगा। यहाँ से अगर एक एम्पियर करंट जा रहा है तो वही एक एम्पियर आर वन से भी जाएगा, आर टू से भी जाएगा, आर थ्री से भी जाएगा, लेकिन वोल्टेज सबका इंडिविजुअल जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा। ये वी वन हो जाएगा, ये वी टू हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा वी थ्री, और ये जो तीनों वोल्टेज का सम होता है ना वो टोटल मिला करके वी के बराबर हो जाएगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, अभी समझ लो, उसके बाद नोट करना। अब यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, वी बराबर आई इंटू आर, तो आई इंटू आर इक्विवेलेंट यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये टोटल वोल्टेज है, तो आई इंटू इन तीनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अब वी वन करेंगे तो वी वन इंडिविजुअल आर वन रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो करंट आई वन इंटू आर वन होगा, लेकिन आई वन को आई ही हम लिखेंगे क्योंकि हमारा जो आई वन है वो आई के बराबर है, आई टू भी हमारा आई के बराबर है, और आई थ्री भी हमारा आई के बराबर है, तो आई आई दोनों तरफ से कॉमन लेकर के हम लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं। हम लोग का जो आर इक्विवेलेंट है वो आ जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो ये रिजल्ट हम लोग को याद रखना है। अगर सीरीज में तीन चार रेजिस्टेंस लगा हुआ है और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग से पूछता है तो हम लोग सिंपल सबको ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर मान लो दो एम्पियर है, एक एम्पियर है, यहाँ पर तीन एम्पियर है, और कोई हम लोग से पूछा कि बताओ टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना है, तो हम लोग बोलेंगे तीन दो पाँच और एक छः ओम टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो रेजिस्टेंस, क्योंकि वोल्टेज हमारा जो होता है वो आई इंटू आर के बराबर होता है। ठीक है, अब आई तो सब में सेम है लेकिन आर वन तो सबका अलग अलग है, रेजिस्टेंस तो सबका डिफरेंट डिफरेंट है, तो सब डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज हो जाएगा। अगर यहाँ पर आर वन यूज कर रहे हो तो वी वन हो जाएगा। तो सबसे पहले लिख लो रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, हेडिंग दे देना, और उसके नीचे लिखना पहला सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके लिए फर्स्ट लेंगे हम लोग दो टाइप का कनेक्शन होता है, एक सीरीज कनेक्शन होता है, दूसरा पैरेलल कनेक्शन होता है। तो फर्स्ट लिखेंगे सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स, इसमें लिखेंगे लेट आर वन आर टू एंड आर थ्री इज थ्री रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। एंड लेट टोटल सप्लाइड वोल्टेज इज वी, उसके बाद लिखना टोटल वोल्टेज वी विल बी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री,
और मैथमेटिकली वी कैन राइट वी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। उसके बाद ये वाला लिख लेना, फिर आई आर इक्विवेलेंट, फिर आर इक्विवेलेंट। सो एवरी टाइम यू हैव टू राइट आर वी क्यू। क्या किया? सो एवरी टाइम यू हैव टू राइट आर वी क्यू इक्वल टू आर वी क्यू साइड आर थ्री। समझ में नहीं आ रहा है। सो एवरी टाइम यू बाय सॉल्विंग न्यूमेरिकल एवरी टाइम यू स्पेंड दैट आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वी क्यू साइड आर थ्री। हाँ, न्यूमेरिकल में हम लोग इसका ही यूज करेंगे। एक एग्जांपल दे रहे हैं, तुम उसे देख लो उसका यूटिलाइज कैसे करना है। देखो तो ये सर्किट है, ए सर्किट हैव थ्री रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3। वैल्यू ऑफ टू रजिस्टर्स आर गिवेन R1 इज इक्वल टू 2 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 3 ओम। इफ टोटल रेजिस्टेंस इज 9 ओम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R3। उसके बाद लिखना दीज ऑल रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज। फिर हो जाएगा 9 में से बाकी 2 रेजिस्टेंस का सम हम लोग माइनस कर देंगे। उसके बाद सेकेंड लिखेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। इसका रिजल्ट क्या आता है, किसी को याद है? आर इक्विवेलेंट यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 रेजिस्टेंस, इसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर देखो तीनों पैरेलल में लगा हुआ है। ये हमारा हो गया R1, R2 और ये हो गया R3 और ये हो गया वोल्टेज V। यहाँ पर हम लोग क्या से अलग डिफरेंट रहने वाला है। यहाँ पर देखो करंट यहाँ से जाएगा आई करंट, और यहाँ पर जाने के बाद 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसमें जाएगा I1, इसमें जाएगा I2, इसमें जाएगा I3। अब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें कम जाएगा, जिसका कम रेजिस्टेंस होगा उसमें ज़्यादा करंट जाएगा, इसलिए हम सबको अलग अलग लिखे हैं। तो यहाँ पर अभी नोट मत करना इसको, आई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। और वोल्टेज जो है तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम है, तीनों के अक्रॉस वोल्टेज हम लोग का भी लगा हुआ है। ये भी वोल्टेज जो है क्योंकि तीनों का तीनों जो रेजिस्टेंस है ना वो एक ही बैटरी के अक्रॉस लगा हुआ है, एक ही वायर से कनेक्टेड है। यहाँ का वोल्टेज अगर 1 वोल्ट है, यहाँ का 2 वोल्ट है, तो सारा का सारा 1 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज डिफरेंस सबका सेम हो जाएगा, एक ही सेल के क्रॉस लगा हुआ है। वही जब हम लोग सीरीज में यूज कर रहे थे ना, तो बीच में कोई सेल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ का पर V1 और V2 हो जाता था, लेकिन एक ही बैटरी से कनेक्टेड है अगर सारा, तो हम लोग बोलेंगे कि वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम है, वोल्टेज डिफरेंस। तो आई बराबर हम लोग लिखेंगे वी बटा आर इक्विवेलेंट, ये बराबर होगा भी, यहाँ पर वी वन नहीं लिखेंगे। वी वन क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि सबका तो वोल्टेज वी ही है, एक ही बैटरी से सारा कनेक्टेड है। तो वी बाई R1 प्लस वी बाई R2 प्लस वी बाई R3। अभी भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हम लोग का पैरेलल में रिजल्ट आया।
अब इसमें स्टेटमेंट लिखना है, लेट थ्री रजिस्टेंस, लेट थ्री रजिस्टेंसेस या थ्री रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। लेट सप्लाई वोल्टेज अक्रॉस देम इज वी। देन आई टोटल या फिर आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। उसके बाद नीचे लिख लेंगे I बराबर V बटा R इक्विवेलेंट बराबर V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3, इसलिए 1 बटा R इक्विवेलेंट इतना हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ से हम लोग एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि दो रजिस्टर्स पैरेलल में लगा हुआ है, ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया R2। इस केस में हमारा R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो इसका रिजल्ट हम लोग याद रखेंगे, 1/R इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो नीचे आ जाएगा R1 R2 और ऊपर में हो जाएगा R2 प्लस R1। ये 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू आया। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 R2 बटा R1 प्लस R2। तो यहाँ पर लिख लेना इन केस ऑफ टू रजिस्टर्स इन पैरेलल, स्पेशल केस एक तरह से हो गया है। इन केस ऑफ टू रजिस्टर्स, तीन के केस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो तीन वाला हम लोग नहीं निकालते हैं। जब तीन रजिस्टर आएगा ना तो हम लोग इस तरीका से सॉल्व करेंगे, और जब दो रजिस्टर आएगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे और नीचे में दोनों का एडिशन ले लेंगे। तो इतना नहीं करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो, इन क्या दो रजिस्टर हम लोग, नहीं थ्री के लिए हम लोग सिर्फ ए यूज करेंगे, ए वाला सिर्फ और सिर्फ टू रजिस्टर के लिए यूज करेंगे, तीन के लिए नहीं होगा, फॉल गलत हो जाएगा। दो के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर में मल्टीप्लीकेशन और नीचे में एडिशन, तो डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तीन के लिए ए वाला यूज करना है। तीन के लिए अगर हम लोग करते हैं, तीन के लिए अगर करते हैं तो वन इसको ऐड करना पड़ेगा ना, इसको ऐड करना में देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, R1 R2 R3। मतलब हम समझ नहीं रहे, तुम R1 और R3 यहाँ पर कनेक्ट करना चाहता है? अच्छा हाँ, मतलब तुम चाहो तो ए वाला सिर्फ यूज कर सकते हो, इतना हाँ, वो वाला सिर्फ यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये शॉर्टकट हो गया, इससे क्वेश्चन सोल्व करने में इजी होता है, वो आगे हम बताएंगे कैसे इजी होता है। तो अभी इसको नोट कर लो और आगे कैसे आसान पड़ता है वो हम बता रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखो, तो टू रजिस्टर्स ऑफ सेम रेजिस्टेंस 1 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल रेस्पेक्टिवली। टू रजिस्टर्स ईच ऑफ 1 ओम रजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन
series and parallel respectively. Which arrangement will draw more current? ज़्यादा current किस में होकर के जाएगा? Sir, which? Which arrangement will draw more current? मतलब कि दो रेजिस्टेंस है, एक इस तरह से कनेक्टेड है, 1 ohm 1 ohm का है दोनों, और एक इस तरह से कनेक्टेड है. तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि किस में ज्यादा करंट फ्लो करेगा. सीरीज वाला में ज्यादा करंट जाएगा. देख लेते हैं हम दोनों का आर इक्विवेलेंट निकाल करके. बाकी किसी का है और यहाँ पर हम लोग का जो आर इक्विवेलेंट आएगा 1+1 आएगा 2 ohm, और इसमें जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 1 × 1/1+1. यही कर देते हैं ना, ऊपर वाला का मल्टीप्लाई नीचे वाला का सम, 1/2. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका कम हुआ? इसका ना. तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा, ये ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा. पैरेलल वाला में ज्यादा करंट जाएगा. घर में जो सारा सर्किट जुड़ा रहता है वो सीरीज में रहता है या फिर पैरेलल में, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, कूलर हो गया, तो ये सारा पैरेलल में, क्योंकि अगर सबको सीरीज में जोड़ देंगे ना तो रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, और हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा तो करंट फिर इंटर ही नहीं करेगा घर में, तो फिर सारा का इफिशियंसी जो है हर मशीन का घट जाएगा. इसलिए हम लोग सारा पैरेलल में जोड़ते हैं. वायर घर में इस तरह से इंटर करता है, पहले यहाँ पर बल्ब लगाना है तो बल्ब लगा दो, फैन लगाना है यहाँ पर फैन लगा दो, इस तरह से सारा काम होता है. सीरीज में एक और नुकसान है, अगर मान लो कहीं पर एक तो वायर टूट गया तो सारा का सारा सर्किट हमारा ऑफ हो जाएगा, सारा जो मशीन वगैरह लगा हुआ है सब काम करना बंद कर देगा. अब पैरेलल में कहीं पर एक टूट गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. देखो सीरीज में अगर हम लोग 4 बल्ब लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर दूसरा बल्ब लगा दिए, तीसरा बल्ब लगा दिए, तो रेजिस्टेंस तो हमारा बढ़ ही जाएगा. मान लो किसी तरह से एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो बल्ब फ्यूज होगा तो ये सर्किट टूट जाएगा. सर्किट अगर टूटता है तो हम लोग का ये वाला अगर यहाँ से ब्रेक होता है ना तो आगे करंट जाना ही बंद कर देगा, इधर का भी सारा बल्ब ऑफ, इधर का भी सारा बल्ब ऑफ. तो हम लोग इसलिए सारा कुछ पैरेलल में लगा करके रखते हैं घर में. क्या बोल रहे हो? चीप होगा हाँ, क्योंकि 2 वायर की जगह पर 1 वायर से काम हो जाएगा ना. अगर हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं तो 1 वायर से काम हो जाएगा, और वही पैरेलल में हम लोग करते हैं तो, लेकिन वायर तो दोनों लग ही रहा है, 1 वायर ऊपर है 1 वायर नीचे है, तो उतना ही तो पड़ा कॉस्ट. वायर तो आखिर लग ही जा रहा है पूरा. फिर एक क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करो. एक सर्किल है, सर्किल में 4 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 2 ohm 2 ohm 2 ohm 2 ohm. नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है कितना होगा. लिखो 4 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ohm इज कनेक्टेड, 4 ohm आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर. फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. यहाँ पर नाम ले देते हैं ए और ए वाला बी. नेट रेजिस्टेंस
4 आ रहा है, सर टू 2 आ रहा है ना, और बाकी और किसी का? हाँ, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तुम्हारा तो सही है आंसर, यहाँ से अगर हम लोग कर लेंगे तो 2 ऊपर में सीरीज में हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हाँ रीअरेंज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, 2 2 2 2, फिर ऊपर वाला दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो गया 4, और फिर नीचे वाला जोड़ लेंगे तो ये हो गया 4। सलाम अब ये पैरेलल में हो गया, सलाम। तो पैरेलल में क्या कर लेंगे, 4 × 4/4 + 4, 16/8 = 2 ना। दे ऐसे भी याद रख लेना, अगर सेम रेजिस्टेंस 2 पैरेलल में लगा हो तो कुल मिला करके वो हाफ हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक लैंप कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया लास्ट वाला सी? सर क्वेश्चन तो जैसे हम 6 वोल्ट जाते हैं, आई इसका भी 0.25 होते हैं। पहला हम बोला था कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, तो हो गया 4 + 20 = 24, ये का हो गया 24। बी में था करंट, तो करंट हो गया हम लोग का कितना, I = V/R, भी कितना है, भी 6 वोल्ट और R 24, तो कितना हो गया 1/4, 0.25 एम्पियर। तो उसके बाद थर्ड में पूछा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प, भी किसके क्रॉस, लैम्प के क्रॉस, तो भी बराबर कितना हो जाएगा I × क्योंकि करंट तो दोनों में सेम है ना, तो I हम लोग जितना आया है 1/4 वही लेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस कितना लेंगे, लैम्प का जो रेजिस्टेंस है वो लेना पड़ेगा RL, तो 1/4 × लैम्प का रेजिस्टेंस 20, तो ये आ गया 5 वोल्ट, और इस वायर के क्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएगा, ये V1 + V2 मिला करके हम लोग को कितना दिया है, 6 दिया है, नीचे बैटरी 6 वोल्ट का लगा हुआ है ना, ये वाला 6 = V1 + V2, और V1 हम लोग को नहीं पता है, V2 कितना है, 5 वोल्ट, तो V1 आ गया 6 - 5 = 1 वोल्ट। हाँ, एक तो ये वाला यूज कर सकते हैं, V1 = I × R4, तो I का वैल्यू 1/4 × R4 का वैल्यू 4 = 1 वोल्ट, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तुम्हारा भविष्य समझ में आया कि छूट गया? अरे ना, सी एक बार फिर से बता देते हैं ना, हम लोग को लैम्प के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है, ठीक है, एक्चुअली में ए वी वन है, और वी वन हम लोग लिख सकते हैं I × R1, करंट हम लोग I1 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सीरीज में लगा हुआ है, और ऊपर हम लोग पढ़े थे कि सीरीज में करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, सेम होता है। वी टू हम लोग क्या लिखेंगे, I × R2, आर टू मतलब वो लैम्प का रेजिस्टेंस, तो वही वी टू हम लोग को तो निकालना है, आई का वैल्यू 1/4 और आर टू लैम्प का रेजिस्टेंस 20, तो 5। वोल्टेज हम लोग इंडिविजुअल सबका अलग अलग निकाल सकते हैं सीरीज के केस में, वही अगर पैरेलल के केस में रहता तो फिर वोल्टेज दोनों के क्रॉस सेम होता, फिर वहां पर हम लोग ये फॉर्मूला वी और आई और इस तरह से यूज नहीं करते, वोल्टेज नहीं निकालते, हो गया ना।